कांग्रेस को मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अपनी जीत का पूरा भरोसा है। कांग्रेस नेताओं के साथ उपचुनाव की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, भाजपा झूठ पर आधारित राजनीति करती है जिसे हमें बेनकाब करना है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उपचुनाव क्षेत्र प्रभारियों के साथ बैठक की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला और कहा, हम आज एक पेन ड्राइव जारी करने जा रहे हैं। इस पेन ड्राइव में किसान कर्ज माफी का पूरा डाटा है। यह पेन ड्राइव भाजपा के आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार है। कर्ज माफी को लेकर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वे स्वयं कर्ज माफी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसके प्रमाण हैं। कमलनाथ ने कहा, भाजपा सिर्फ झूठ आधारित राजनीति करती है। वह सिर्फ प्रचार प्रसार की राजनीति कर प्रदेश की जनता को गुमराह व भ्रमित करने में लगी हुई है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में कैसे संविधान और प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ किया है यह सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश में सौदेबाजी कर व बोली लगाकर जनता की चुनी हुई सरकार को गिराया गया। पिछले 4 महीनों में अपना पूरा समय लगाया है कि अपना संगठन मजबूत हो। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है। उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये चुनाव, मैं इसे उपचुनाव नहीं मानता, ये आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है और यही मेरा संदेश है मध्य प्रदेश के हर मतदाता को कि मध्य प्रदेश का चित्र उनके सामने है। 15 साल का चित्र उनके सामने है और हमारे 15 महीनों का चित्र, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और 1 महीने उथल पुथल में, 11.5 महीने में जो हमने परिचय दिया अपने नीति और नियत का, ये चित्र उन सबके सामने है। कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस पार्टी का साथ ना दें, पर सच्चाई का साथ दें। ये सच्चाई पहचाने और सच्चाई का साथ दें, क्योंकि इस चुनाव, इस 27 सीटों का चुनाव जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के भविष्य। कितना कलंकित हुआ है ये सौदे की राजनीति से, ये बोली की बनी हुई सरकार, जो सौदा किया गया। ये सब कहते हैं हमारे काम नहीं हुए, कमलनाथ हमें मिले नहीं। क्या ये जनता को कहेंगे कि हमने सौदा कर लिया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया? ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने सौदा किया। तब कहेंगे कि कर्जा माफ नहीं हुआ। बात स्पष्ट है और मेरे पास इसकी पेन ड्राइव है। मैं सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता हूँ। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। और लोग आरोप लगाएंगे, अभी ग्वालियर में बड़े बड़े भाषण हुए, जिन्होंने खुद कर्जा माफ के कार्यक्रम किए वो कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। ये झूठ की राजनीति, मीडिया की राजनीति, ये अब अपने प्रदेश में चलने वाली नहीं है। आज का नौजवान जो है अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है। आज का नौजवान पहचानता है, आज का नौजवान जानता है कि उनके भविष्य के साथ 15 साल में कितना खिलवाड़ हुआ है। तो ये सब चीज़ें आज जनता के सामने हैं और ये जो प्रचार की राजनीति है, नौटंकी की राजनीति है, आज सब समझ रहे हैं कि कैसे हमारे संविधान और प्रजातंत्र से खिलवाड़ किया गया है और इससे जुड़ा हुआ है भविष्य, अपने देश का भविष्य, कि मध्य प्रदेश में का ऐसा पहचान होनी कि यहाँ की राजनीति बिकाऊ है। अगर राजनीति बिकाऊ है तो सब कुछ बिकाऊ है। मध्य प्रदेश की पहचान मेरा प्रयास था, विश्वास, एक नया विश्वास बने। माफिया से मध्य प्रदेश की पहचान ना बने, मिलावट से मध्य प्रदेश की पहचान ना बने। इस ये मोर्चा मैंने खोला था कि माफिया मुक्त मध्य प्रदेश होए, मिलावट मुक्त मध्य प्रदेश होए, यही मेरा प्रयास था। और पिछले 4 महीनों में जो संगठन का मैंने प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस परिवार का हर सदस्य ये संदेश हर मतदाता तक पहुंचाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि हमने पिछले 2 महीनों में पूरा समय लगाकर अपने संगठनों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को मैं
उपचुनाव और आम चुनाव नहीं मानता, यह चुनाव प्रदेश की प्रतिष्ठा का चुनाव है। उन्होंने कहा कि यह मेरा संदेश है मध्य प्रदेश के हर मतदाता से कि मध्य प्रदेश का चित्र उनके सामने है, 15 साल का चित्र उनके सामने है और हमारे 15 महीनों का चित्र उनके सामने है, जिसमें हमने परिचय दिया है अपने नीति और चरित्र का। कमलनाथ ने कहा कि कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस पार्टी के साथ ना दें, मगर सच्चाई का साथ दें। कमलनाथ ने कहा कि सौदे की राजनीति से चुनाव कितना कलंकित हुआ है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।